तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग फिर स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हो अपने मोबाइल फोन से जाति निवास आय अप्लाई करना बिना ब्लॉक गए, वो भी घर बैठे, और आप ये चाहते हो चाहे आपका जाति निवास आय एडमिशन में देना हो या फिर कहीं फॉर्म फिल करो उसमें लग रहा है, या मतलब जहां भी अगर आपका जाति निवास आय तीनों में से कोई भी लग रहा है और आप चाहते हो कि अपने घर बैठे बिना कहीं गए अपने मोबाइल से जाति निवास आय तीनों का अप्लाई कर दे, मैं आपको वही अप्लाई करके लाइव दिखाने वाला हूँ। और जैसे मैं अप्लाई करूंगा सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है, आप भी अपने मोबाइल फोन से अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको इतना आसान बताऊंगा कि आप एक बच्चा भी हो ना तो भी समझ जाएगा कि जाति निवास आय मोबाइल से कैसे बनाया जाता है। और आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ले लो तो बिना स्किप किए, तो फिर आप तो अपने पूरा जिंदगी भर में कभी नहीं भूल पाओगे कि जाति निवास कैसे अप्लाई किया जाता है। इतना आसान मैं आपको समझाने वाला हूँ, आप समझ सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए और आप मेरे चैनल अपनाए जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, साथ में ऑल पे सिलेक्ट करो, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे हमेशा इस तरह वीडियो मिलती रहेगी और आपको हमेशा हेल्प होता रहेगा और आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो बना की वीडियो करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप वाल घुमस कर देखिए, पूरा ध्यान समझिए, पूरा ध्यान समझिए तभी आपको समझ में आने वाला है। अगर आप यहाँ पे 5 से 10 मिनट समय दोगे तो फिर ये समय आपको लाइफ टाइम कमाने वाला, समझ रहे हो चीज को ना। और आप यहाँ पे अपना टाइम दे देते तो फिर आपको कहीं ब्लॉक में दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं साइबर कैफ में पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जाओगे साइबर कैफ में दुकान पे अप्लाई कराने के लिए, आपको वहाँ पे एक का कम से कम आपको 50 रुपए पेड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लो तो एंड तक, आप फ्री में, बिल्कुल फ्री में, बिना 1 रुपया खर्च किए आप घर बैठे जाति निवास आय तीनों अप्लाई कर सकते हो। और मैं आपको तीनों अप्लाई करके लाइव दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अभी देखिए अभी चल रहा है एडमिशन 9th में 11th में, अभी चल रहा है एडमिशन, और उस एडमिशन में आपको जाति निवास आय लगेगा। तो फिर आप ऑनलाइन का अप्लाई करना सीख लो, आज नहीं तो कल आपको लगेगा ही, और आपको मालूम रहेगा, तो फिर आप अपने फोन से तुरंत अप्लाई करके अपना इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए वीडियो करते हैं, आप ध्यान से देखिए। उसके लिए क्या ओपन करना है, अपने फोन का गूगल या क्रोम, आप दोनों में से कोई भी चीज ओपन कर सकते हो, ठीक है। देखिए गूगल तो ओपन हो गया, आपको आना है सर्च बार में, यहाँ पे सर्च बार पे आना है, और आपको यहाँ पे क्या सर्च करना है, RTPS, सॉरी यहाँ पे सर्च करते हैं RTPS, RTPS लिख करके आपको सर्च करना है, कल आपको लिखना है RTPS लिख करके सर्च करना है। जैसा आप उस पर सर्च कीजिएगा, उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार गवर्नमेंट में लिखा होगा RTPS, आपको सिंपल सा स्पीक क्लिक करना है, मतलब की RTPS के वेबसाइट की मदद से आप अपना तीनों जो है जाति निवास है आप उसको अप्लाई कर सकते हो। देखिए तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हो जो RTPS का ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे खोल करके ओपन हो चुका है, और देखिए यहाँ पे बिहार का जो नक्शा है नक्शा ही बना हुआ है। इससे पहले आपको यहाँ पे बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार उनका फोटो यहाँ पे था, बट अभी यहाँ पे बिहार का नक्शा शो कर रहा है, बस कुछ नहीं करना, आपको नीचे आना है, आपको नीचे आके देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है महत्वपूर्ण सूचना इग्नोर करना है, नीचे आना है, फिर आपको ऑप्शन मिलेगा मानक संचालन प्रक्रिया इग्नोर करना है, फिर आपको नीचे आना है, और आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा ऑनलाइन आवेदन दे, और उसी के नीचे लिखा हुआ है लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं, ठीक है, और उसी में फर्स्ट में आपको शो कर रहा है सामान्य प्रशासन विभाग, लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं के नीचे लिखा हुआ शो कर रहा है सामान्य प्रशासन विभाग, आपको क्या करना है, बस इस पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे आप यहाँ पे तीनों ऑप्शन मिल जाएगा, आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गम मतलब की निवास बनाना चाहते हो, दूसरा है जाति प्रमाण पत्र का निर्गम कास्ट सर्टिफिकेट मतलब की आप जाति बनाना चाहते हो, तीसरा है इनकम मतलब कि आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हो। मैं आपको सिखाता हूँ सबसे पहले आवासीय प्रमाण पत्र अप्लाई करके, ठीक है, और सेम तरह से आप जाति भी अप्लाई कर सकते हो, आय भी अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं आपको आवासीय का पूरा फॉर्मेट सिखाऊंगा अप्लाई करके पूरा एंड तक, उसके बाद से जाति आय का मैं आपको बताऊंगा किसमें क्या क्या चीज भरना है, बाकी से आगे का प्रोसेस सेम रहेगा। मैं तो आपको समझाऊंगा, देखिए आवासीय पे क्लिक करना है, और यहाँ फिर आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर, जिला स्तर। अब क्या यहाँ सेलेक्ट करना है, आपको सेलेक्ट करना है अंचल स्तर, अब जो ब्लॉक में बनता है यहाँ से अंचल स्तर को सिलेक्ट करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे देखिए यहाँ पे जो फॉर्म फिल करने का ऑप्शन है यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और आप यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात को ध्यान में रखिए, जिसको काफी लोग गलती कर देते हैं, बाद में बोलते हैं कि हमसे अप्लाई नहीं होगा, नहीं हमारे फोन में नहीं हो रहा, तो फिर आप यहाँ पे गलती करते हो, उसके बाद से आपके दिमाग में सोच आती है। देखिए यहाँ पे जो फॉर्म फिल करने का ऑप्शन यहाँ पे ओपन होगा, वहां पे टाइमिंग रहता है, और आप टाइमिंग को मैनेजमेंट नहीं करते, अगर टाइमिंग अगर नहीं चलोगे तो फिर आपका फॉर्म लास्ट में सबमिट नहीं हो पाएगा। जब हम फॉर्म भर रहे हैं मतलब हम बिंदास फॉर्म धीरे धीरे फॉर्म भर रहे हैं और लास्ट में सबमिट करने, तो वहां पे सबमिट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, टाइमिंग मेरा आउट हो चुका है, यहाँ पे टाइम दिया रहता है, उस टाइम के बीच में आपको फॉर्म फिल करना, मतलब थोड़ा फास्ट फॉर्म फिल करने की, यहाँ पे ओपन हो चुका है, मैं यहाँ पे टाइम करके फॉर्म नहीं फिल करूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा बाद में फिल कर लूंगा, यहाँ वीडियो को हम कट कर दूंगा। देखिए मैं आपको पहले आप सीखिए आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, चलिए
और देखिए यहाँ पे लिंक जेंडर वाला आपको रेड कलर का स्टार लगा हुआ है, उसका मतलब है कि जहाँ पे स्टार लगा हुआ है वो फॉर्म भरना आपको अनिवार्य है। जिसमें स्टार नहीं लगा है आप उसको इग्नोर कर सकते हो, स्किप कर देना, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखना, मैं आपको दिखा दूँ नीचे, आगे बताऊंगा। नेम ऑफ हस्बैंड अनिवार्य नहीं है, इसको छोड़ सकते हो। सर ये देखिए यहाँ पे जेंडर, आप लेडीज हो तो फिर आप स्त्री को सिलेक्ट करना, अगर आप जेंट्स हो तो फिर आप पुरुष को सिलेक्ट करना, और आप इसके अलावा कुछ और हो तो फिर आप तृतीय लिंग को सिलेक्ट करना। ऐसा कुछ जेंडर जो भी है जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। चलिए इस तरह से इसे जेंडर सिलेक्ट करना है, फिर नीचे आना है, अभिवादन को आपको छोड़ देना है, अभिवादन को स्किप करना है, नीचे आना है। नेम ऑफ अप्लीकेंट मतलब कि जिनका आप निवास अप्लाई कर रहे हो, और आप खुद का अप्लाई कर रहे हो तो अपना नाम भरना, और आप किसी अदर का अप्लाई कर रहे हो तो जिसका अप्लाई कर रहे हो उसका नाम यहाँ पे भरना, मतलब जितना जिसका निवास बन रहा है उसका नाम में फिल करना, फिर आगे उसी का नाम हिंदी में फिल करना है, फिर नीचे उसका पिता का नाम फिल करना है इंग्लिश में, यहाँ पे हिंदी में, माता का नाम इंग्लिश में, यहाँ पे हिंदी में, और कोई लेडीज का अप्लाई कर रहे हो तो फिर हस्बैंड का नाम यहाँ पे देना इंग्लिश में, यहाँ पे हिंदी में, और कोई लेडीज नहीं शादी उदी नहीं हुआ तो फिर आप दोनों को छोड़ देना। फिर नीचे आओ, ऑप्शन मिलेगा आवेदक का मोबाइल संख्या, अगर आपका मोबाइल नंबर है तो फिर यहाँ पे डाल देने, तो आप छोड़ सकते हो। मोबाइल नंबर देने से क्या फायदा होता है, अप्लाई करोगे तो फिर आपके फोन नोटिफिकेशन जाएगा कि आपका जो भी एप्लीकेशन है सबमिट हो चुका है, और उसके अलावा जो आपका आयो जाति निवास है बंद करके आ जाएगा, फिर आपके फोन पे मैसेज आएगा जहां से आप डायरेक्ट एक क्लिक में आप अपना तीनों प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हो। चलो फिर नीचे आ रहा है ईमेल, आप ईमेल छोड़ ही देना, केवल मोबाइल नंबर डाल देना, मोबाइल नंबर तो होगा ही हर किसी के पास। नीचे बोल रहा है राज्य, यहाँ पे क्लिक करना है, आप जिस भी राज्य से हो बिहार सिलेक्ट करना है, जो आरटीपीएस वेबसाइट है केवल बिहारी का अप्लाई होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश झारखंड आप अदर राज्य से हो तो फिर आपका वेबसाइट अलग है, आपको ये और वीडियो देखना, इसमें केवल बिहारी के लोग के लिए, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ केवल बिहार के जो लोग हैं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे बोल रहा है जिला, आप बिहार के किस जिला से रहने वाले हो, यहाँ पे आपका जो भी जिला होगा सिलेक्ट करना। हम यहाँ से हम पश्चिमी चंपारण, तो मैं पश्चिमी चंपारण सिलेक्ट किया है। फिर नीचे बोल रहा है अनुमंडल, आपका अनुमंडल कहाँ है, अनुमंडल पे क्लिक करना है और यहाँ से अनुमंडल को सिलेक्ट करना, अगर यहाँ सिलेक्ट कर लिए। फिर नीचे बोल रहा है स्थानीय निकाय का प्रकार, और आप शहर से हो गए, देखिए अगर आप गांव देहात से हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्ट करना है ग्राम पंचायत, क्योंकि गांव में आपका ग्राम पंचायत ही होता है, बट शहर में ग्राम पंचायत नहीं होता है, शहर में होता है नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत होता है। आप जिस भी लोकल बॉडी से हो गए यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना है। चलो हम गाँव से है तो ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करते हैं। फिर नीचे आना वार्ड संख्या, आप किस वार्ड से के रहने वाले हो, अब वार्ड नंबर 5 के रहने वाले हैं, 5 सेलेक्ट करता है। फिर नीचे आना है, फिर यहाँ पे बोल रहा है ग्राम पंचायत, आप किस पंचायत से हो, जो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आप स्थानीय निकाय का प्रकार जो आप सिलेक्ट करोगे वही यहाँ पे आपको उसका नाम देना पड़ेगा। तो हम यहाँ से अपने ग्राम पंचायत का जो नाम है हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। चलो हम यहाँ से छोड़ दिए थे। प्रखंड को सिलेक्ट करना है, आपका प्रखंड कहाँ पे मतलब ब्लॉक कहाँ उसको सिलेक्ट करना है। फिर नीचे यहाँ से ग्राम पंचायत को क्या करते हैं सिलेक्ट करते हैं। फिर आपको नीचे यहाँ पे बोल रहा है ग्राम विलेज, आपका गांव का नाम क्या है, गांव का नाम यहाँ पे दे देना है। फिर नीचे बोल रहा है डाकघर पोस्ट ऑफिस, आपका डाकघर कहाँ है उसको फिल करना है। फिर नीचे बोल रहा है पुलिस स्टेशन, आपका पुलिस स्टेशन कहाँ है उसका नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है, क्लिक करना ड्रॉप डाउन पे और आपके यहाँ से नाम को सिलेक्ट कर लेना, लिखा नहीं बस सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे बोल रहा है पिन कोड, आपका पिन कोड क्या है, आपका क्षेत्र का पिन कोड क्या है, यहाँ पे पिन कोड को फिल करना है। फिर यहाँ पे बोल रहा है चूज अ फाइल, जिनका आप अप्लाई कर रहे हो उनका फोटो यहाँ पे देना पड़ेगा, चूज फाइल पे क्लिक करना और अपने गैलरी से एक फोटो लेकर के यहाँ पे पासवर्ड साइज फोटो बना करके यहाँ पे अपलोड कर देना। हाँ, और फोटो का साइज 350 KB से नीचे रहना चाहिए, आपका जो फोटो का साइज है 400 KB का है, 1 MB का, तो फिर अपलोड नहीं हो पाएगा, 350 KB से कम रहना चाहिए। चलो फिर नीचे बोल रहा है आधार संख्या, आपको आधार संख्या छोड़ देना, अगर आप आधार संख्या डालोगे तो फिर आपको ओटीपी देना पड़ेगा, तो आधार संख्या आप स्किप कर ही देना, मत डालना। फिर नीचे आओ निवास का प्रकार, आप जहाँ पे निवास बना रहे हो जहाँ का एड्रेस दियो कि आपका अस्थायी निवास है, फिर अस्थायी है, अस्थायी निवास है, हम हमेशा वहीं पे रहते हैं, अस्थायी निवास है। फिर नीचे बोल रहा है आवेदन का उद्देश्य है, जो आप अप्लाई कर रहे हो आपका उद्देश्य क्या है, किस वजह से अप्लाई कर रहे हो, या तो छोड़ देना, देखिए दिल का स्टार नहीं लगा हुआ अनिवार्य नहीं, आप उसको छोड़ ही देना, अगर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करो एडमिशन डाल देना, जो आपका होगा डाल भी सकते हो छोड़ भी सकते हो। फिर नीचे आना है, यहाँ पे जो अप्लाई टू द ऑफिस है ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर नीचे आना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल कर देना, अगर आपको कैप्चा कोड इनवैलिड देगा तो फिर आप उसे आपको रिफ्रेश कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक कर देखिए कैप्चा कोड रिफ्रेश हो गया। फिर उसको यहाँ पे फिल करना है, फिल करके बाद क्या करना है आपको प्रोसेस पे क्लिक करना। चलिए हम यहाँ फॉर्म को फिल कर लेते हैं, उसके बाद से हम प्रोसेस पे क्लिक करते हैं, तो जैसे आप फॉर्म फिल करके प्रोसेस पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने यहाँ पे फाइनली यहाँ पे देखिए अटैच का ऑप्शन आएगा, क्या करना आपको अटैच पे क्लिक करना है,
मैं वो थोड़ा फास्ट करूंगा, टाइम और मेरे पहले थोड़ा टाइम हम लेट कर चुके हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे बोल रहा है दस्तावेज डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए यहाँ पे आधार कार्ड दे देना, इस पे क्लिक करना और यहाँ से आधार कार्ड को सिलेक्ट करना। और उसको क्या करना, आपको चूज फाइल पे क्लिक करना, यहाँ से अपने फोन से आधार का जो इमेज है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर देना। जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है हो चुके फाइनल, क्या करना उसके बाद से आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सब सेव पे क्लिक करोगे आपका जो फॉर्म है यहाँ पे फाइनली सबमिट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। देखिए और यहाँ पे फाइनली क्या हुआ आपका, फाइनली सबमिट का ऑप्शन आ गया। मैं क्या करते हैं सबमिट पे क्लिक करते, चलिए हम अब सबमिट पे क्लिक करते तो उसके बाद क्या होगा हमको इसका रिसीविंग प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कैसा रिसीविंग मिलता है। देखिए यहाँ पे फाइनली हमको रिसीविंग, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम रिसीविंग हमको मिल गया। अब जो भी अच्छे से अपने मन से पढ़ लेना, उसको क्या करना आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करना और अपने गैलरी में इस पीडीएफ को सेव कर लेना। ठीक है, देखिए ये जो पीडीएफ है मेरे गैलरी में यहाँ से सेव हो चुका है। चलिए अब ये जो है हम यहाँ पे अप्लाई कर दिए निवास, मेरा निवास निवास यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो आप पीछे से आकर के अप्लाई कर देने से प्रोसेस पे क्लिक करोगे, उसके बाद से आपको कोई डॉक्यूमेंट बोला है अटैच पे क्लिक करना, उसके बाद आपको बोलेगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। आप आधार कार्ड के अलावा अब ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, पासपोर्ट देख सकते हो, आधार कार्ड देना, आधार कार्ड सब किसी के पास हो, आधार कार्ड देकर आप यहाँ भी बना सकते हो। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको सिखा दिया हूँ एक पूरा अप्लाई करके, और मैं आपको बताऊँ केवल फॉर्म कैसे फिल करना है, जाति का फॉर्म कैसे फिल करना है और आय का फॉर्म कैसे फिल करना है। बाकी आगे कोर्स आपको सीख गए कैसे कैसे क्या कुछ करना है, और मैं आपको सिखाता हूँ कैसे फॉर्म फिल करना है। बस मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे कहाँ पे क्या क्या फिल करना है, उसके बाद आप सारा चीज कर ही लोगे। और आपको दिक्कत होगा कमेंट करना, मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लो। देखिए यहाँ पे आपको आवासीय बता दूंगा, अब हम जातीय पे क्लिक करते हैं, अंचल पत्र पे क्लिक करते हैं, सेम प्रोसेस है, सब कुछ सेम है। लास्ट का विषय है बस फॉर्म फिल करने का जो थोड़ा होता है ना प्रोसेस, वो थोड़ा इसमें चेंज कर दिया जाएगा। जाति में अलग फॉर्म फिल करने का तरीका रहता है, निवास में अलग रहता है और आय में अलग रहता है। मैं आपको तीनों सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। चलो मैं आपको एक आपको ट्रोल सिखा दिया हूँ। अब चलिए ये जो ओपन हो रहा है इसको मैं वेट करते हैं, नेटिव सोलो चल रहा है, क्या करें बताइए। देखिए ओपन हो चुका है, अब हम क्या करते हैं आपको मालूम है, जेंडर सेलेक्ट करना है, स्त्री हो पुरुष हो सिलेक्ट करना है, नाम डालना है इंग्लिश में हिंदी में, इंग्लिश में हिंदी में, पिता का नाम, माता का नाम इंग्लिश में, माता का नाम हिंदी में। हाँ जो लेडीज का शादी हो चुका है, जो लेडीज से शादी शुदा है उनका अपने मायके का पिता का नाम और माता का नाम, और यहाँ से उनका हस्बैंड का नाम जहाँ शादी हुआ है, और यहाँ से उनका हस्बैंड का नाम हिंदी में, समझ लो चीज को। जिनका शादी नहीं हुआ छोड़ देना, आवेदक मोबाइल संख्या डाल देना, ईमेल छोड़ देना, और रात का नाम सेलेक्ट करना, जिला सेलेक्ट करना, अनुमंडल सेलेक्ट करना, प्रखंड सेलेक्ट करना, गांव देहात से हो ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना। बाकी अगर आप वीडियो के अंदर देखो तो आपको सारा चीज समझ में, मैं पहले समझा दिया हूँ कैसे आगे से क्या चीज सेलेक्ट करना है। वार्ड नंबर सेलेक्ट करना, आप किस नंबर वार्ड से आते हो, आपका गांव कहाँ है, गांव का नाम क्या है, आपका डाकघर मतलब कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है, फिर नीचे थाना आपका पुलिस स्टेशन कहाँ है उसको सिलेक्ट करना है, पिन कोड क्या आपको पिन कोड डालना है, फिर क्या करना है ऊपर के जैसे टिक कर देना है, मतलब कि आप जो ऊपर भरो हो सेम टू सेम नीचे भी फिल हो जाएगा, आपको भरना नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ से नीचे आना है, नीचे आना है, फिर यहाँ तक आपका सेम टू सेम फिल हो जाएगा फॉर्म। फिर चूज फाइल पे क्लिक करना है, अपने गैलरी से कोई फोटो लेकर के यहाँ से सिलेक्ट करना है जिस फोटो का साइज 350 KB से कम हो। चलो पैसा, और कोई लेडीज है तो फिर गृहिणी हाउस वाइफ, कोई जेंट्स का बना रहे जिनका शादी हो गया है, किसान है तो फिर फार्मर, यहाँ से सारा चीज दिया, छात्र, सरकारी सेवा, निजी सेवा, व्यापार, किसान, गृहिणी, अन्य, सारा चीज दिया वो सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें क्या वर्ग यहाँ पे आ गया कैटेगरी जाति, BC1 BC2 SC ST, अब क्या हो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ से जाति, अब जो कैटेगरी सिलेक्ट करोगे उसी कैटेगरी के अंतर्गत आप किस जाति से आते हो, यहाँ पे बहुत सारे जातियों को मिल जाएगा, अपने जाति का नाम यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको सब कुछ छोड़ देना है, सब कुछ छोड़कर नीचे आना है, अप्लाई टू द ऑफिस खुद ब खुद फिल हो जाएगा, यहाँ पे हम ऊपर छोड़े हुए हैं जिसको यहाँ पे फिल नहीं हुआ है फिल हो जाता है। फिर कैप्चा कोड यहाँ से रिफ्रेश कर लेना, उसके बाद से कैप्चा कोड को फिल करना, फाइनली आप प्रोसेस पे क्लिक करना। बाकी का प्रोसेस मैं आपको निवास में बता चुका हूँ वीडियो में स्टार्टिंग में। चलो फिर यहाँ से भी बैक आते हैं, फिर क्या करते हैं यहाँ से हम आय को सिलेक्ट करते हैं, अंचल स्तर पे क्लिक करते हैं। थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो फिर आप ही को दिक्कत होगी ना। चलो आप हम देखिए अब आप समझिए कि आय कैसे, आय वाला फॉर्म कैसे फिल करना। चलिए आ गया है नाम, सब मालूम है आपको, जेंडर सेलेक्ट करना है, इंग्लिश में नाम, हिंदी में नाम, पिता का नाम इंग्लिश में, पिता का नाम हिंदी में, माता का नाम इंग्लिश में, माता का नाम हिंदी में, जो उनका शादी हो चुका है हस्बैंड का नाम इंग्लिश में, हस्बैंड का नाम हिंदी में, और उनका माई का नाम यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में, पिता का नाम हिंदी, सब समझ रहे हो चीज को। चलो फिर यहाँ पे बोल रहा है आवेदक का मोबाइल संख्या डाल देना, ओटीपी जाएगा, देने के लिए नहीं मैसेज की जगह आपका प्रमाण पत्र सबमिट हो चुका है, ईमेल छोड़ देना, राज्य सेलेक्ट करना, किस राज्य से हो, बिहारी, केवल फॉर्म बिहारी के लिए बता रहा हूँ मैं, फिर जिला बिहार के किस जिला से रहने वाले हो,
अनुमंडल कहाँ है आपका, प्रखंड कहाँ है, ग्राम पंचायत से लेकर अगर आप गांव देहात से है। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो में थोड़ा पीछे जाओ, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। वार्ड संख्या सिलेक्ट करना है, ग्राम पंचायत कहाँ है आपका, घर कहाँ है, पोस्ट ऑफिस डाकघर कहाँ है, पुलिस स्टेशन मतलब कि थाना कहाँ है, पिन कोड डालना है। फिर नीचे आप जिनका अप्लाई कर रहे हो उनका यहाँ पे फोटो लगेगा, जिस फोटो का साइज 350 KB से कम हो, आधार संख्या छोड़ देना है, हर में पैसा क्या हो, अगर आप छात्र हो छात्र सिलेक्ट करना है, गवर्नमेंट जॉब में हो गवर्नमेंट जॉब, यहाँ पे सारा चीज दिया सिलेक्ट कर लेना। मैं आपको स्टार्टिंग में सारा चीज समझा दू, डिप्लोमा पूरा समझा चुका हूँ। अब यहाँ पे बोल रहा है आवेदन का उद्देश्य छोड़ देना मत भरना। फिर नीचे आ रहा है यहाँ पे बोल रहा है जो आप इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हो मतलब आय बना रहे हो, पैसा नहीं बना रहे हो, तो फिर आपका सरकारी सेवा से क्या आया था, सरकारी सेवा करते हो गवर्नमेंट जॉब, उसे कोई आपको आय आती है नहीं आती है छोड़ देना। खेती बाड़ी करते हो नहीं उसको भी छोड़ देना, कृषि से भी छोड़ देना। व्यवसायी व्यापार करते हो कितना आय आता है फिल करना, नहीं आता है छोड़ देना। अन्य स्रोतों से आया मतलब कुछ थोड़ा से कुछ यहाँ से कुछ वहां से कुछ यहाँ से आता है, केवल आप अन्य स्रोत में आना और यहाँ पे कुछ जितने बनाना होगा 80,000, 80,000 क्लिक कर देना, यहाँ पे कुल लाइन ऑटोमेटिक उठा लेगा, बाकी आप छोड़ दोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब केवल अन्य स्रोत में जितना बनाना होगा बना देना, कोशिश करना 1 लाख से नीचे का ये फिल करने का। अगर आपको कोई बेनिफिट लेना होगा तो फिर आपको 1 लाख से नीचे तो फिर आपको कोई बेनिफिट मिल सकती है। फिर नीचे आना है, अप्लाई टू द ऑफिस ऑटोमेटिक ले लेगा, मैं ऊपर नहीं भरा हूँ जिसकी वजह से नहीं ले पाया है, टेंशन नहीं लेना है। फिर कैप्चा को रिफ्रेश करना है और कैप्चा कोड को खुद बहुत दे करके यहाँ पे फिल करना 1657। फिर वो क्या करना, लास्ट में आपको प्रोसेस पे क्लिक कर देना। और दोस्तों 20 तरह से आकर के जाति निवास आय तीनों को अप्लाई कर सकते हो, घर बैठे मंगा सकते हो। चलो आप तो अप्लाई कर दिए, जाति निवास हम तीनों अप्लाई कर दिए, अब हम उसको डाउनलोड कैसे करेंगे, हमको कैसे मिलेगा? तो प्रेस जान लीजिए किसका कार्य दिवस पहले था 10 दिन का, अब हो गया है 15 दिन का। लास्ट 15 दिन का समय लग सकता है आपका प्रमाण पत्र आपको मिलने में। अब आपको कैसे मिलेगा, अप्लाई कर दिया, आपने मोबाइल नंबर जो दिए थे उस मोबाइल पर ओटीपी आएगा कि आपका जो भी प्रमाण पत्र है बन गया, एक लिंक आएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करोगे डायरेक्ट आपको वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैं उस वीडियो बना रखा हूँ कि प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड किया जाता है, वीडियो देख करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड कर लेना, जाएगा किसी दुकान में 2 रुपये 5 रुपये देना, आपको निकाल कर दे देगा, ले सकते हो फ्री में, आपको बन गया, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दौड़ने जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ और बात समझ आता है, जैसे कि आपको जल्दी चाहिए 15 दिन का कार्य दिवस, हमको 5 दिन के अंदर में चाहिए, तो क्या करना, जो अप्लाई की हुई आपको रिसीविंग मिला है उसका फोटो भी करा लेना, आधार कार्ड का फोटो भी अटैच कर लेना, ला करके ब्लॉक में दे देना जहाँ पे बनता है, वहां से आपको 5 दिन के पहले बन करके अपलोड कर देगा, आप डाउनलोड करके पहले आप ले सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना अच्छा समझाया हूँ आपको, काफी मेहनत किया हूँ। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक है, लिंक पे क्लिक करके फॉलो जरूर करना। और आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होगी, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, लिंक पे क्लिक करके फॉलो करके मैसेज करना, मैं 100% प्रयास करूंगा आपके प्रॉब्लम को सोल्व करने का और आपके मैसेज का रिप्लाई देने का। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो था, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखें।